बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक ही मैसेज करते हैं कि अल्लाह ताला का वो इस्मे आज़म बताइए, यानी वो छुपा हुआ इस्मे आज़म जो अल्लाह ताला ने छुपा कर रखा है। और ये हदीस के अंदर आया है कि अल्लाह ताला के 99 नाम हैं और उसी में अल्लाह ताला ने अपने इस्मे आज़म को, जो इस्मे ख़ास है, उसको छुपा कर रखा है। और लोग अक्सर करके इसी के मुतालिक पूछते हैं कि इस्मे आज़म क्या है, कौन सा वो इस्मे आज़म है जिसको हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम पढ़ा करते थे, कौन सा वो इस्मे आज़म है जो उस बंदे ने तख्त लाया था वो उसको पढ़ा करता था, कौन सा वो इस्मे आज़म है जिसको पढ़ने से सिर्फ 7 मरतबा बोल दिया जाए तो उसकी दुआ कबूल हो जाती है, कौन सा वो इस्मे आज़म है जिसको पढ़कर जिस काम के लिए जाया जाए वो काम पूरा हो जाता है, वो मकसद पूरा हो जाता है, या फिर कौन सा वो इस्मे आज़म है जिसको पढ़ने से बंदा कभी भी नाकाम और फेल नहीं हो सकता। इस वीडियो में बता दूं मैं आपको इस्मे आज़म के मुतालिक ही बात करेंगे कि वो कौन सा इस्मे आज़म है जिसको पढ़ने से बंदा हर दुनिया की हर खुशी को हासिल कर सकता है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत के मुतालिक आप सबको बताएं कि अल्लाह ताला ने कितनी मुतालिक, कितनी बड़ी उनको हुकूमत अदा की थी और कितनी तवील थी। जिन्नात पर, आग पर, पानी पर, हवा पर, हर चीज़ पर आपकी हुकूमत थी और जिसको जो हुक्म देते वो काम बजा लाता, यानी वो काम कर जाता। इतनी बड़ी हुकूमत अल्लाह ताला ने आपको नवाजी थी और उनके पास भी इसमें आज़म की ताकत थी। वो तो अल्लाह के नबी थे, अल्लाह ताला ने उनको पहले से ही मौजदे दे रखे थे, लेकिन वो इसमें आज़म का विर्द भी किया करते थे। एक शख्स जो तख्त उठा कर लाया था पलक झपकने से पहले, उसके मुतालिक आता है कि उसके पास एक किताब का इल्म था, लेकिन बहुत सारी रिवायतों में ये भी देखने को मिलता है कि उसके पास इस्मे आज़म का इल्म था और उसी इस्मे आज़म के ज़रिए से उसने वो तख्त उठा कर लाया था। अब एक हदीस के अंदर आता है कि जो बंदा इस्मे आज़म पाना चाहे, इस्मे आज़म हासिल करना चाहे, उसको चाहिए कि रात में तन्हाई वाली जगह पर बैठे और ऐसी जगह जहाँ पर कोई आता जाता ना हो, खामोशी हो, अकेलापन हो, तन्हाई हो, उस जगह पर जाकर के बैठ जाए और खुशबू लगा ले वज़ू के साथ, गुसल के साथ, नमाज़ें अदा करके और हर वो चीज़ गुनाहों से दूर रह के, पाको साफ हो करके, साफ़ और सच्चा दिल रख के एक तन्हाई वाली जगह पर बैठे और बैठने के बाद अल्लाह ताला के 99 जो नाम हैं वो सारे के सारे पढ़ ले। और इसको सिर्फ 3 बार पढ़ना है। एक बार जैसे 99 नाम ख़त्म हो गए फिर दूसरे से स्टार्ट करें, या अल्लाह हूँ, या रहमान, या करीम हूँ, या रहीम हूँ, या जब्बार हूँ, या कहार हूँ, या सत्तार हूँ, या ज़ुलजलाल वल इकराम, जितने नाम हैं अल्लाह ताला के सभी पढ़ते जाए। 99 ख़त्म हो जाए फिर से दोबारा पढ़े, फिर ख़त्म हो जाए फिर से तीसरी मरतबा पढ़े। और ये हदीस के अल्फाज है कि जो बंदा 3 बार इसको पढ़ लेगा और फिर जब हाथ उठा करके दुआ करेगा उसकी कोई भी दुआ रद्द नहीं की जाएगी, कोई भी दुआ उसकी रद्द नहीं की जाएगी। लेकिन इस्मे आज़म इसी में छुपा हुआ है। और वो इस्मे आज़म कौन सा है इसके मुतालिक अल्लाह और उसका रसूल ही बेहतर जानता है। हम आम इंसान इसके मुतालिक कभी भी जान ही नहीं सकते कि अगर इस्मे आज़म मान लो आपको मिल भी जाए तो आप उसका गलत यूज़ करना स्टार्ट कर दोगे, इसलिए अल्लाह ताला ने इसको छुपा कर रखा है, इस पर लॉक लगा दिया है। लेकिन बहुत सारे लोगों को ये मिल भी जाता है और मुश्किल घड़ी में जो इंसान की ज़ुबान से लफ्ज़ निकलते हैं, जैसे किसी के मुँह से या अल्लाह निकल जाता है, किसी के मुँह से या रहमान निकल जाता है, तो अल्लाह ताला उसी को इस्मे आज़म बना देता है उसके लिए, सिर्फ उसके लिए। जो मुसीबत में अल्लाह ताला को जो नाम से पुकारता है वही उसके लिए इस्मे आज़म बन भी जाता है। तो इस्मे आज़म छुपा हुआ है और इन नामों के अंदर ही है, 99 नेम में। आप इसको पढ़ के देखें, इंशाअल्लाह ताला आपकी हर तमन्ना, हर ख्वाहिश इसके ज़रिए से पूरी हो जाएगी।